वहीं रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी पहुंचेंगे, चुनाव अभियान को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही दून पहुंचेंगे अनिल बलूनी। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अनिल बलूनी। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सीएम धामी रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे। चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने में दून पहुंचेंगे अनिल बलूनी। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो और साथ ही चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे और सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक चरण में मतदान होने हैं और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बीजेपी की ओर से लगातार की जाती रही है ताकि जनता के बीच जो मुद्दे हैं, जो काम किए गए हैं बीजेपी की ओर से, उसे दिखाया जा सके, बताया जा सके। और जब से चुनाव आयोग की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से छूट दी गई है, तब से लगातार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं काफी ज्यादा खुलकर मैदान में उतर रहे हैं और साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ उत्तराखंड, ये दोनों राज्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते नजर आ रहे हैं बीजेपी के लिए और दोनों ही जगह पर अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।